हरि ओम नारायण हरि। आप सब लोगों की शुभता चाहते हुए मैं आज की रीडिंग शुरू करती हूँ और आपको अगर मेरे ये वीडियो और मेरी ये रीडिंग अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है। कार्ड मैं शफल कर रही हूँ, इसके बाद हम निकालते हैं। ये कार्ड तो पहले से ही आ गया उछल के। ओह अरे राम, तीन कार्ड निकल कर आ गए। कार्ड निकल आए हैं, अब हम देखते हैं कि आज आप सबके लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स का, एंजल्स का। देखिए आज के जो रीडिंग आ रही है जिस तरह की, वो ये बता रही है कि जो लोग शादी करना चाहते हैं, जो लोग शादी करना चाहते हैं उनके लिए है आज रीडिंग। आज का हमारा टॉपिक भी वही है, क्योंकि बहुत से लोग मेरे से ये क्वेश्चन कर रहे थे कि आप थोड़ा सा हमारी शादी के लिए बताइए, या जो रिलेशन में हैं वो पूछ रहे थे। तो मैं आज कोशिश कर रही हूँ कि बहुत से व्यूअर्स का जवाब दे दूँ। तो देखिए, जहाँ तक आपके उसका सवाल है, आप प्रयास कर रहे हैं और वो प्रयास आपके फलीभूत होंगे। देखिए ये वाला कार्ड ये कह बताने के लिए बहुत है कि पहला ही कार्ड आया था ये, तो आप अभी तो आप दूर खड़े होकर के प्रयास कर रहे हैं और ये प्रयास आपके निश्चित रूप से फलीभूत होंगे और धीरे धीरे फलीभूत होंगे और होने भी चाहिए, क्योंकि आप बड़े समय से इसके लिए प्रयासरत हैं। इसके बाद जो स्थिति बन रही है वो ये बन रही है कि आप कई बातों को लेकर के इमोशनल भी हो रहे हैं, कई बातों को लेकर इमोशनल भी हो रहे हैं, क्योंकि आपका काम तो बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा, जैसा आप चाह रहे हैं वैसा ही होगा, लेकिन उसमें ऑब्स्टेकल्स हैं, रुकावटें हैं, क्योंकि कुछ लोग आपसे नाराज होकर के दूर जा रहे हैं, क्योंकि आपके इस शादी के प्रपोजल से या आपके किसी उससे वो ना खुश हैं, चाहे वो आपके लोग हों या जो जिनसे आप शादी करना चाहते हैं उनके लोग हों। तो इसमें थोड़ी सी ये प्रॉब्लम आ रही है कि वो लोग नाराज हैं और दूर जा रहे हैं। दूर जा रहे हैं मतलब मन से दूर जा रहे हैं, सहमति नहीं दे रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि सहमति नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा जो उनके आपके या उनके दोनों में वाइस वर्षा आती हैं, ये वाली जो अथॉरिटी है, मतलब जो जिन जिनकी हाँ और ना के ऊपर पूरा मामला टिका हुआ है, वो इसमें राजी हैं, वो इसमें राजी हैं। मगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक उदाहरण देती हूँ कि जैसे आप जिनसे शादी करना चाहते हैं या जैसा भी आपका रिलेशन है, आप उनके जो मान लीजिए ग्रैंडफादर हैं वो तो राजी हैं, लेकिन जो उनके पेरेंट्स हैं वो राजी नहीं हैं। मतलब इस तरह की पोजीशन बन रही है, पेरेंट्स
बिल्कुल विरोध कर रहे हैं और वो दूर जा रहे हैं इस पूरे मसले से। तो इस तरह की सिचुएशन थोड़ी सी बनी हुई है, मगर खुशियां तो आपकी झोली में आ रही हैं और ये जितने भी इसमें ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं या वो आ रहे हैं, तो उसमें थोड़ा मैच्योरिटी तो दिखानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने मैच्योरिटी नहीं दिखाई तो फिर दिक्कत आएगी आपको। क्योंकि जिनसे आप शादी करना चाहते हैं वो और आप स्वयं, आप दोनों को झुकना तो पड़ेगा, आप दोनों को डाउन टू अर्थ तो होना पड़ेगा। आप अपने एटीट्यूड के साथ इस काम को नहीं अंजाम दे सकते कि आप सोचें कि हम अपने उसी एटीट्यूड में रह कर के काम करें, तो वो संभव नहीं है। उसके लिए आपको थोड़ा अपना ईगो छोड़ना होगा, और आप अपना ईगो छोड़ेंगे और तभी बात बनेगी। ताली दोनों हाथों से बजती है ना, एक हाथ से तो बजेगी नहीं। तो कुछ वो ईगो छोड़ेंगे, कुछ आप ईगो छोड़ेंगे, तभी बात बनेगी। क्योंकि खुशियां तो उड़कर आ रही हैं, उड़कर आ रही हैं, बस आप खुद ही उसमें रुकावट बने हुए हैं। क्योंकि जो लोग आपके लिए रुकावट है ना, जो लोग आपके लिए रुकावट हैं, उनके लिए आप भी रुकावट हैं। क्योंकि आप कौन सा झुकने को तैयार हो रहे हैं, आप भी तो उनकी बातें, उनकी कंडीशंस को मानने को तैयार नहीं है, तो आपको भी उनकी बात और उनकी कंडीशंस को मानना पड़ेगा, तभी तो बात बनेगी। कुछ कंडीशंस वो आपकी मानेंगे, कुछ आप मानेंगे, तभी बात बनेगी। अदरवाइज बात बिगड़ भी सकती है, क्योंकि अगर 75% बात बनने की है तो 25% बात बिगड़ने के भी चांसेस हैं। मगर बस ये दो कार्ड जो हैं, ये एक अथॉरिटी का और ये एक, तो ये दोनों कार्ड बता रहे हैं कि आप समझदारी दिखाएंगे, आप अपना एक समझदारी के साथ आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आप लोगों के, आप दोनों के अलावा और लोगों के मन में भी बहुत सारी इमोशंस हैं आप दोनों को लेकर के, और वो हृदय से चाहते हैं कि आपका ये काम बने, आपका ये रिश्ता बने, और वो बनेगा। क्योंकि बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस रिश्ते की फेवर में हैं, वो भी उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और आपके उधर भी आपको भी समझाया जा रहा है, तो समझना तो आपको भी पड़ेगा। जिन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया है, समझना तो आपको भी पड़ेगा। सिर्फ एक पक्ष समझे और दूसरा पक्ष ना समझे तो ऐसी बात नहीं बनेगी। क्योंकि आप लोगों का रिलेशन आगे चल करके, आप दोनों का तो बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन आप अपनी दोनों की अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बनाकर रखते हुए बाकी सब लोगों को भी प्रसन्न रखें, उनका भी आशीर्वाद लें। इसी में ही सबकी भलाई भी है और इसी में आपका फ़ायदा भी है। क्योंकि अगर हम अपने घर के पितरों को, अपने बड़े बुजुर्गों को, अपने गुरुजनों को नाराज कर देते हैं, तो हम कितने दिन तक सुखी रहेंगे? हम सुखी रह लेंगे, आगे हमारी जो संतति होगी वो पितृदोष से ग्रसित होगी, क्योंकि कार्मिक साइकिल ऐसे ही चल रहा है। तो इसलिए आप इसमें केवल और केवल जो ऑब्स्टेकल है उसमें आपको थोड़ा झुकना पड़ेगा, और आपका काम बनेगा ज़रूर। और आप अपने इस रिलेशन में, या अगर आप शादी करना चाह रहे हैं, तो देखिए सन का कार्ड है, बहुत पावरफुल कार्ड है, और मेजर अरकाना का कार्ड है। ये अपने आप में सारी स्थिति संभालने के लिए सक्षम है, और इससे आपको पूरी स्थिति आपकी संभलेगी। लेकिन केवल आशीर्वाद से काम नहीं चलता है, आप भगवान चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं अगर हम अपने को सुधारने की कोशिश ना करें। परमात्मा कुछ नहीं कर पाएंगे, वो तथास्तु कर भी देंगे, लेकिन आप उन परिस्थितियों से कॉप अप नहीं करेंगे तो आशीर्वाद भी निष्फल हो जाते हैं, वरदान भी निष्फल हो जाते हैं। इसलिए दोनों को, आपको आशीर्वाद और आपकी समझदारी, इन दोनों के ही सहयोग से आपकी बात बनेगी। तो आपको चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा झुक जाइए, आप जीवन भर सुखी रहेंगे। तो मेरी यही आपसे आज एडवाइस थी, गुजारिश थी, निवेदन था। और अगर जितने के साथ भी आज की यह रीडिंग रेजोनेट की हो, आप उतनी लीजिएगा, जिनके साथ जो ना रेजोनेट करे उसे छोड़ दीजिएगा। बाकी आप सब लोग सुखी रहें, प्रसन्न रहें, यही मेरी कामना है। हरि ओम नारायण हरि।